हेलो, हेलो। एफएम विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे जुड़ा हूं। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस समय हमारे साथ हैं भारतीय सांस्कृतिक निधि के बनारस चैप्टर के संयोजक श्री अशोक कपूर जी। कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद जी। अशोक कपूर जी, भारतीय सांस्कृतिक निधि को इंटैक भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए भी हैं और पूरे भारतवर्ष में बहुत विस्तार के साथ ये संस्था अपने कार्यों में संलग्न है। हम अपने श्रोताओं के लिए ये जानना चाहेंगे कि इंटैक है क्या, इसके बारे में जरूर आप अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे कुछ बात कर सकूं और आपके श्रोताओं तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। तो जी इंटैक जो है, इंटैक का पूरा फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जी और ये सन 1982 में फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था पूरे कई जगह जी फ्रांस जी वगैरह में। जी और उसके बाद ये हुआ था कि उस चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कोई संस्था होनी चाहिए जो पूरे अपने भारत वर्ष का जो विरासत है, धरोहर है, उसका संरक्षण के लिए। जी तो 1984 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सोचा, इंदिरा गांधी ने उस समय सोचा था। फिर जी उनका जी फिर उसको पहला इसके अध्यक्ष राजीव गांधी जी थे उस जी समय, जी जी और उसके बाद इसके सिलसिला शुरू हुआ। और बेसिकली इंटैक्ट जो है, पूरे जितने भी धरोहर हैं, जी टेंजिबल इंटेंजिबल मूर्त अमूर्त, जी उनका संरक्षण करना, उनका प्रिजर्वेशन, उनका कंजर्वेशन, और दुनिया में हर मतलब लोगों में उसके बारे में जागृति पैदा करना कि जी आप क्यों क्यों जरूरी है इसका संरक्षण अपने विरासत का, जी जी यही मेन इसका काम है। जी और इसके पूरे इस समय इंडिया में 210 चैप्टर हैं, और जी 210 चैप्टर में करीब 10,000 सदस्य हैं जो ज्यादातर लाइफ मेंबर हैं और जी कुछ इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स भी हैं। तो जी 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 वो जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस या कुछ ट्रस्ट, ये सब भी होते हैं। जी और ये वहां पर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और जी 9 डिविजन काम करते हैं अलग अलग हेरिटेज के लिए। फॉर जी एग्जाम्पल, आर्किटेक्चुरल हेरिटेज डिवीजन है, नेचुरल हेरिटेज डिवीजन है, मटेरियल हेरिटेज डिवीजन है, जी कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिवीजन है, क्राफ्ट डिवीजन है। जी हम लोग का सबसे बहुत बड़ा डिवीजन है हेरिटेज एजुकेशन का, जो स्कूल कॉलेजेस में काम करता है, जी और हेरिटेज टूरिज्म डिवीजन है। इस तरह करीब 9 डिविजन हैं, और वो लोग अपना काम वहाँ बहुत सक्षम, वहाँ बहुत ही सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं। जी और जो इसके अध्यक्ष हैं उस जी समय मेजर जनरल रिटायर्ड गुप्ता जी हैं, जो जिनको 3 बार अति विशिष्ट सेवा मदद मिल चुका है, जी जी और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए और फाइनेंशियल वर्क के लिए जो मेंबर सेक्रेटरी हैं मोस्टली रिटायर्ड IAS होते हैं, जी जी और सरकार के 4 मिनिस्ट्रीज का हमेशा इसमें उनका रिप्रेजेंटेशन रहता है। कल्चर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, डिफेंस है। तो जी इस तरह हम लोग पूरे देश में अवेयरनेस का प्रिजर्वेशन करते हैं, जी ये मेनली करते हैं, उसी में सब लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। बिल्कुल ये बेसिकली इसका एक वो है। बिल्कुल। कपूर साहब, भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक के बारे में बड़े विस्तार से आपने बताया कि क्या स्वरूप है इसका, किस तरह ये कार्य करता है। हम यदि काशी की बात करें, बनारस की बात करें अपने, तो बनारस में इसकी गतिविधियां किस तरह से संचालित हो रही हैं, किन किन क्षेत्रों में ये जुड़ा हुआ है? बनारस में ये इसका चैप्टर ऐसे तो 1985 में ही शुरू हो गया था। जी ऐसा कहना चाहिए कि जब 84 में बना तो एक साल के अंदर उन्होंने बनारस में चैप्टर शुरू किया, जी और उसके बाद उस समय BHU में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कल्याण कृष्ण जी थे, वो इसके संयोजक हुए, जी और कई वर्षों तक, 20-25 वर्षों तक वही संयोजक रहे, जी जी और ज्यादातर गतिविधियां वो स्कॉलर्स लोग ही चलाते थे उसमें, जी जी और अपने तक उसको सीमित रखते थे। उन्होंने पूरा जैसे शहर में जनरली लोगों को जोड़ने में उतना नहीं सोचा कि जोड़ना चाहिए, जी और स्कूल कॉलेजेस भी उसमें उस समय मेंबर्स नहीं थे। धीरे 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 जब कोई भी संस्था ऐसा होती है जब ज्यादा फैलती नहीं है या ज्यादा लोगों में नहीं जाती तो वो कोई डेड तो नहीं कहना चाहिए, स्लो हो जाती है जी और लोगों में अवेयरनेस नहीं होती। फिर भी उन लोगों ने वहां से बैठकर कुछ काम किया, जैसे आप घाट पर, बालाजी घाट है, जी तो बालाजी घाट की जो बिल्डिंग है उसका रेस्टोरेशन का काम करीब करीब आज से 8-9 साल पहले शुरू हुआ, 10 साल पहले, जी और वो
काफी कंप्लीट हो गया है, वो काम उस समय किया। सन 2015 में जी डॉक्टर ओपी केजरीवाल, आपको बताएं वो प्रसार भारती के वो रह चुके जी, हैं जी, सीईओ थे जी, सीईओ जी, और बाद में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, वो रिटायर्ड होके बनारस रह रहे थे, तो वो इसके कन्वीनर हुए जी, और उन्होंने इसको नए सोच दिया इसमें, और उसके उनके साथ उन्होंने हमको को कन्वीनर बनाया जी। कुछ ऐसा हुआ कि 5-6 महीने में उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई, वो ज्यादा बीमार हो गए और मैं 2016 में कन्वीनर हो गया मार्च में। तब से हमने इसका जो है पूरा, हमको ये लगा कि इतना बड़ा काम ये कर रहे हैं, क्यों ना हम शहर में हम हर स्पीयर के लोगों को इनके साथ जोड़ें जी। और बनारस की विरासत ही, आपने बड़ा ही अच्छी बात कही कि काशी की विरासत, आपको ताज्जुब होगा कि बनारस जो हमने 100-125 फैमिली को मेंबर बनाया जी, उसमें से 90% लोगों को अपने शहर का ही मंदिर स्मारक पता ही नहीं था, क्योंकि यही पैदा हुए बहुत से लोग जी। और स्कूल कॉलेजेस को हमने बनाया, तो इस समय हमारे 16 स्कूल कॉलेजेस मेंबर हैं लास्ट 4 साल, और हमने सोचा कि विरासत की जो शिक्षा है जी, तो स्कूल से शुरू होनी चाहिए बिल्कुल, और ये हमारे इंटैक का भी ये वो है एम, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं हो पा रही, तो हम स्कूल कॉलेजेस में बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं जी। और जैसे कल ही हमने स्कूल टीचर्स के लिए, क्योंकि इस समय आप जान ही रहे हैं कि ऑनलाइन ही सब काम हो रहा है जी, जी। तो हम लोग ने 45 स्कूल टीचर्स को दिल्ली और से हमारे कुछ एक्सपर्ट्स कुछ हम लोग 2 घंटे का सेशन लिया, हेरिटेज अवेयरनेस कैसे आप बच्चों में ला सकते हैं, ये हर वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग करते थे 2 दिन का जी, लेकिन इस वर्ष ऑनलाइन करना पड़ा जी, तो स्कूल कॉलेजेस में हम लोग इस तरह जो काशी में हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं जी। स्कूल कॉलेजेस में सबसे पहले टीचर्स को हम लोग कहते हैं कि कैसे हेरिटेज के आपको अवेयरनेस होनी चाहिए जी, और बच्चों में उसको आगे कैसे लाए, हेरिटेज क्लब्स बनाते हैं हम लोग हर स्कूल में जी, और उस हेरिटेज क्लब्स की एक्टिविटी बहुत है, बहुत ही बढ़िया जी। उसके अलावा हम लोग कॉलेज में, हमारे 4 कॉलेज मेंबर हैं, उन कॉलेज में उनकी कॉलेज स्टूडेंट्स को हेरिटेज वॉलंटियर्स बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, आप हेरिटेज वॉलंटियर बनेंगे तो आप दूसरों को भी या अपनी फैमिली में या अपने कम्युनिटी में उनको अवेयर करेंगे। तीसरा हम लोग ये करते हैं कि क्विज करते हैं नेशनल लेवल का जी, तो नेशनल लेवल का होता है, पहले सिटी होता है फिर स्टेट होता है जी, और आपको जानकर बड़ा ही अच्छा लगेगा कि जब से मैं 2016 से हूँ हर वर्ष हमारे यहाँ बनारस की टीम नेशनल क्विज में या तो स्टेट विनर होती है या नेशनल विनर होती है, और बनारस तो स्कूलों में इतनी प्रतिभा थी बनारस में, तो हमारे लोग इंटैक्ट में यहाँ पहले के लोग नहीं कर पा रहे थे जी, जी। फिर उसके अलावा हम लोगों ने शुरू किया है जो पहले इंटैक्ट में हो रहा था, बच्चों से हम लोग 2-3 मिनट की हेरिटेज बेस्ड फिल्म बनवाते हैं जो बच्चे खुद बनाते हैं जी, और जी। वो हमारे पहले शुरू जब हमने किया 2017 से तो कुल 4-5 स्कूल थे, उसके बाद आज 12 स्कूल जो है हर वर्ष हम लोग उनको अपना कैमरा देते हैं जी, अपनी तरफ से देते हैं जी, जी। और वो उनको थीम बता देते हैं कि आप इस पे करिए, बाकी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, बॉम्बे से आते हैं ट्रेनिंग देने उन लोगों को, 2 दिन की वर्कशॉप होती है जी, और वो बच्चे क्लास 6 और हमारे यहाँ जितना भी काम होता है क्लास 6 से क्लास 9 तक के बच्चे, न तो 11-12 से न बहुत छोटे का जी, जी। तो उस स्टेज में ऐसा सोचा जाता है कि उस 6 से 9 तक के जो बच्चे हैं, मतलब जो 11-12 से लेके 15-16 तक जी, जी। वो बच्चों में जब अगर आप कोई चीज डालिएगा उनके दिमाग में तो आगे जो है बड़े होने पर दिमाग में रह जाता है जी, तो उनको हम लोग वो फिल्म बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, और फिर वो फिल्म को पूरे ऑल इंडिया लेवल पे दिखाई जाती है जी, तो ये कल्चर मिनिस्ट्री के हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है जी, उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज है, पेंटिंग कंपटीशन होता है, एसे कंपटीशन होता है, ये सब चीज करते हैं, जैसे कॉलेज का प्रोग्राम। फिर हम लोग ने अभी 2 साल शुरू किया, ये हम आपको केवल अभी स्कूल कॉलेजेस का बताना जी, चाह रहे जी, जी, जी। क्योंकि हमारा एम्फेसिस बहुत ज्यादा स्कूल कॉलेजेस में है जी, जी। हम लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ का जो क्राफ्ट, ये कहना चाहिए जो एंडेंजर्ड क्राफ्ट था जी, जी। हम आपको बताएं बनारस की ट्रेडिशनल पेंटिंग है, जो बनारस की दीवारों पर आप देखते हैं पुराने, अब तो कोई करता ही नहीं जी, जी। अब तो शादी ब्याह में भी नहीं लोग अपने घरों पर कराना चाहते, तो वो पेंटिंग कागज और कपड़ों पर भी होती थी, आज भी एक बस केवल 2 फैमिली बची है जी। तो पिछले साल से हमने उस फैमिली से उस आदमी से निकाला और हम स्कूल कॉलेजेस में ले जाते हैं उसको और उसकी वर्कशॉप करते हैं उससे, देखो बनारस में भी ट्रेडिशनल पेंटिंग जो है उसको सीखो, और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके उसको सीख रहे हैं और वो हम उसको कर रहे थे। दूसरी चीज जो ये मट्टी के खिलौने, मट्टी के बर्तन ये भी जो है धीरे धीरे आप देख रहे थे कि लोग प्लास्टिक और ये सब करने लगे थे, तो कुम्हार लोग इस पे जो है
ये अच्छी बात क्या है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने कुम्हार लोगों को अब इलेक्ट्रिक चाक दे दिया है। जी जी पहले जी। जो हाथ से चलाने वाला था जी तो उससे बहुत काम हो रहा है, तो वो हम लोग उन लोगों को स्कूल में ले जाते हैं और उनसे बच्चों को जी। तो ये उसमें इंटरेस्ट ये है कि उनको नेचर से जोड़े, ये एक इंटरेस्ट उसमें ये है। केवल ये नहीं कि उनको बर्तन बनाना या खिलौने बनाना, बिल्कुल क्यों आपको इससे जुड़ना चाहिए अपने, ये एक विरासत थी हमारी जी जो एकदम छुट्टी जा रही थी धीरे धीरे, जी तो वो जी भी हम लोग हमने किया है। जी और उसके बाद हम जितने मॉन्यूमेंट बनारस में हैं, जी फॉर एग्जाम्पल गुरुधाम मंदिर है जी या जी कर्दमेश्वर टेम्पल है जी या आप सारनाथ की है म्यूजियम है, जी हम बच्चों का अभी मानमहल म्यूजियम मोदी जी ने शुरू किया है जी 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 वर्चुअल म्यूजियम, जी और उसके अलावा राजघाट पर जो एक्सकवेशन है, जी तो हम बच्चों के ग्रुप्स को स्कूल वाइज ले जाते हैं वहाँ, और जी एक अच्छे सीनियर हमारे गवर्नमेंट के लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ जी डॉक्टर सुभाष यादव जी हैं, ASI के हैं, जी सिन्हा जी हैं, वो लोग लोगों खुद कभी आते हैं खुद, और बच्चों को हम लोग उसके बारे में वहीं ऑन द स्पॉट बताते हैं। जी ये हम लोग एक्टिविटी स्कूल कॉलेज की करते हैं। जी उसके अलावा हम लोग अपने मेंबर्स के लिए हम एवरी मंथ जी बनारस के कोई ना कोई पुराने मंदिर या पुराने कोई, जैसे आपको बताया ये स्थान जितने हैं साइट्स हैं जी वहाँ ले जाते हैं, वहाँ उसके बारे में उन लोगों को बताया जाता है जी और फिर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जी वो भी जी हर महीने हम लोग करते हैं। तो उसके कारण इतना ज्यादा अवेयरनेस, जो लोगों को नहीं मालूम था शहर में, एक एक आप त्रिपुरा भैरवी चले जाइए, त्रिपुरा भैरवी में ही मंदिर है इतना सुंदर, जी लोगों को नहीं पता है, 8:30 बजे बंद हो जाता है सुबह को, इस एक से एक जगह है। गायघाट में आप अंदर जाइए तो वहाँ पर एक से एक पुराने मंदिर है, ओंकारेश्वर है जी जी इधर, तो ये किसी को मालूम नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है, जी वो हम लोग किया। इसके अलावा इंटैक ने, ये तो हम मेंबर्स के लिए करते हैं, जी उसके अलावा हम लोगों ने इंटैक ने दिल्ली से आकर यहाँ पर करीब, ये प्राइम मिनिस्टर का अपना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि कोई आप सिटी एक सड़क ले लीजिए जी और वहाँ पर मान लीजिए जैसे बैजनथा है, तो बैजनथा से कमच्छा उसके तीन बेस सड़क का डेवलपमेंट कीजिए, आर्ट्स वगैरह का, तो आप शहर में देखेंगे 9-10 सड़कें ऐसे हैं जैसे गुरुधाम मंदिर का सड़क है जी, या ये साकेत नगर की है, उसको इंटैक ने पूरा डेवलप किया है थीम, एक थीम बनाकर जी जी और कल्चर वो हिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का से हम लोग को फंड मिला था जी, तो ये काम बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा संस्कृत यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं जो वो बिल्डिंग है पुरानी कितनी बिल्डिंग है, बड़ा नाम है उसका मुख्य वाला भवन, वो सामने से ठीक था अंदर से पूरा टूट चुका था, वहाँ कुछ नहीं होता था जी जी, तो ये 15 वर्ष से उसका यूज नहीं था, उसको सन 2016 में जब हम आए हैं और यूपी गवर्नमेंट के फंड से उसको अब जाके तैयार हुआ, और इस साल आपको पता ही होगा कि वहाँ जो कन्वोकेशन हुआ उसी हॉल में हुआ जो कि 15-20 साल बाद ऐसा हुआ, वो पूरा का पूरा रेस्टोरेशन जो है इंटैक ने किया है। और जो आपको हमने बताया सड़क का काम, अभी हम लोग इस समय बनारस के, ये भी प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोजेक्ट था जी, 9 कुंड हैं पुराने कुंड हैं जी जी, जिसको रिस्टोर करने के लिए एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट बना के दिया है, और इन द मीन टाइम प्रोजेक्ट उस पर काम शुरू हो गया था जी जी, काम तो वाराणसी विकास प्राधिकरण करा रहा है, हम लोग की कंसल्टेंसी है जी जी, लेकिन ये जो 3 महीना बीता उसमें काम रुक गया था, फिर शुरू हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, ये काम अब चल रहा है जी जी, तो इस तरह का वो नेचुरल हेरिटेज है, आपको बताया आर्किटेक्चर हेरिटेज है, जैसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है जी, तो और जैसे हम अपने मेंबर्स को रामनगर की रामलीला, आपको विश्वास होगा कि हमारे मेंबर्स में से 90% रामनगर की रामलीला देखे नहीं थे, तो उन लोगों को रामनगर की रामलीला हम लोग ने दिखाया, महाराज ने बड़ा हम लोग को सपोर्ट दिया जगह के लिए, तो इस तरह का मतलब वो इंटेंजिबल हेरिटेज है, टेंजिबल सबका अवेयरनेस और कंजर्वेशन के लिए भी काम करते हैं। आपको बताएं मकबूल आलम रोड पर एक सूर्य सन डायल है 1784 का वारंट, वो टूटा पड़ा हुआ था जी जी, और हमने उसको रिस्टोर करके चल गया, अब जब धूप निकलती है तो उसमें सही समय आप जाकर देख सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिस के पास, ये हम लोग ने रिस्टोर किया है। इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी कोशिश कर रहे हैं 4 साल में उसको रिवाइव किया है स्कूल कॉलेजेस में और पब्लिक में, हम लोग की काफी इस समय लोग हमको सपोर्ट करते हैं काफी। अब जैसे काशी विश्वनाथ का जो पूरा कॉरिडोर है जी जी, तो बड़ा एक मिसकंसेप्शन था कि ये टूट जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा जी, तो वहां से हम लोगों को आया कि भाई
आप जाकर देखिए और एडवाइस कीजिए। जी तो हमारे एक दो मेंबर हैं हमारे यहाँ के जो आपके यहाँ भी आए हैं, जी तो मारुति नंदन तिवारी जी जी हैं, ये जी लोग हैं, जी तो ये लोग को हम लोग लेकर गए वहाँ। और ये ऑफिशियली तो नहीं, हम लोग उसको अपने पर्सनल लेवल पे जी प्रशासन के साथ मिलकर कि कैसे उसको रिस्टोर करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जी तो आज जो 30-40 मंदिर उसमें से निकले हैं जी उसको तोड़ा ना जाए ऐसा करके, या जो जो बिल्डिंग है उसकी जी जी तो वो भी काम उस पर अभी सोचा जा रहा है, वो लोग भी सोच रहे हैं कि क्या करना है। तो इसी तरह की एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर में, मेनली यही जितने भी हमारी अपनी विरासत है टेंजिबल इनटेंजिबल, जी पहले तो उसको अवेयर कराएं लोगों को कि इसको बचाना जरूरी है, जी और जी हम लोग से जो हो सके उसको बचाने की कोशिश किया जाए, जी जी ये एक्टिविटी हम लोगों की चल रही है। बहुत अच्छी बात है। और हमको लगता है कि इंटेक बहुत अच्छे से जो यहाँ की विरासत है, जो यहाँ के धरोहर हैं, उनके संरक्षण, उनके पुनर्निर्माण और उनके बारे में लोगों को जानकारी देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और हमें लगता है कि आप जैसे संयोजक इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अशोक कपूर बहुत जी, बहुत धन्यवाद आप संगीत के संरक्षण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते आ रहे हैं। तो ये जो कोरोना काल चल रहा है और इसमें वास्तव में बहुत सारी गतिविधियां सामान्य नहीं हैं, बहुत सारी गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है, तो ऐसे में एक संगीत जो होता है वो बहुत बल देने का काम करता है, तनाव को दूर करने का काम करता है। तो आप संगीत के संरक्षण प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हम जैसा आपने पूछा, हम कला प्रकाश संस्था उसका मैं अध्यक्ष हूँ, जी और 25 वर्ष से हम निरंतर कुछ ना कार्यक्रम हर महीने या कभी महीने में 2 बार जी हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं। मार्च के बाद से सभी कार्यक्रम रुके हुए हैं, जैसा आपको पता है जी जी हम लोगों की गुलाब बाड़ी होती थी, उसका दिन भी फिक्स हो गया था जी जी 21 मार्च, लेकिन उसको हम लोगों को पोस्टपोन करना पड़ा, अब जी कैंसिल ही माना जाएगा। जी इस बीच हमने आपस में विचार किया लोगों से कि संस्था का कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, जी और एक्टिविटी संस्था नहीं, जो काम हम प्रमोशन कर रहे थे उसको कैसे किया जाए। तो हमने सोचा कि जो यंग है, जो यंग टैलेंट है, जी और बहुत टैलेंट है, आप भी जानते हैं आप लोग आकाशवाणी में, कि यंग लोगों में शास्त्रीय संगीत का एक अच्छा टैलेंट है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं उतना मिल पाता। जी तो जी हम लोगों ने एक फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम शुरू जी किया, ये 12 अप्रैल, जी और जी रोज हम लोग सुबह 11 बजे जी जी एक कार्यक्रम, और उसमें हमारा ये इंसिस्ट हमने किया कि केवल हम यंग लोगों को ही रखेंगे। जी तो वो कंटिन्यूअस 18 मई तक, जब तक ये था कि लॉकडाउन, अब 18 मई तक रहेगा, जी वो जी चलता रहा बिना के, हर ब्रेक रोज के सुबह जी 11 बजे, जी जी और काफी पॉपुलर हुआ। पूरे इंडिया ही नहीं, कुछ विदेश में भी बसे हमारे इंडियंस जो वहाँ प्रोग्राम करते हैं या सिखाते हैं, जी वो भी जी जुड़े और जी लाइव प्रोग्राम दिया उन्होंने। जी तो ये हम केवल यंग को प्रमोट करें, लेकिन जब ये हो गया कि अब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, अब हुआ नहीं, जी तो फिर हमने जून से ही पिछले महीने जी उसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज किया कि अब एवरी संडे करेंगे। तो जी जी एवरी ऑल्टरनेट संडे हम लोग यंग लोगों का प्रोग्राम करना शुरू किया है, जी जी और इसी पैटर्न पर उसका नाम हमने आरोह रखा है, वाह आरोह जो थे यंग लोगों का। और दूसरा कार्यक्रम एक संडे हम लोग करते हैं अद्वैत, तो जी गुरु शिष्य परंपरा, तो उसमें जरूर गुरु सीनियर होगा, जी लेकिन साथ में हमारा इंटरेस्ट है कि हम शिष्य हो, जिससे कि हमारा जो मेन इंटेंशन है कि वो यंग टैलेंट को जी हम जी प्रमोट कैसे करें, वो जो है अद्वैत नाम से वो सीरीज हमने 7 जून को शुरू की है, जी और उसका एक हो चुका है, अब 4 जुलाई को दूसरा है, और वाह 21 जून से हमने आरोह शुरू किया। तो जी जी ये क्योंकि अब अगले 2-3 महीने तक उम्मीद नहीं है कि हम लोग प्रोग्राम इस तरह का हॉल में या ओपन में कर पाएंगे, जी जी लेकिन जो हम सोच जो हमारी है उसको हमको किसी तरह, उन बच्चों को, बच्चे ही कहेंगे हमारे आगे तो बच्चे ही हैं सब, लेकिन बिल्कुल उनका टैलेंट सामने आए लोगों के, जी जी और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि किसी किसी को तो 4,000 व्यूअरशिप मिली है, वाह जो कि वाह उतनी नॉर्मल यहाँ से प्रोग्राम करने में 200, 400, 500 जी लोग आ जाते थे तो बहुत अच्छा हम लोग मानते थे, जी जी और कम 600 से कम तो किसी का भी ऑनलाइन नहीं हुआ, जी और जी वो लोग इतना उत्साहित हैं कि कह रहे थे कि जब शुरू होगा तो हम बनारस आकर, ज्यादातर बनारस के भी लोग हैं, बनारस जी जी के भी लोग हैं, तो बम्बई दिल्ली सब जगह बसे हुए हैं, जी जी चारों जी तरफ से लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जी जी तो यही अभी तो यही कर रहे हैं। और देखिए, आप चाह रहे हैं कि कुछ कुछ सहायता ऐसी मिले, जी अभी तक तो हम लोग अपने मेंबर्स को
जो हमारा तो ये इंटेंशन रहता है कि मेंबर से ही सब सहायता लेके काम करें जी, और सीनियर लोगों का तो देखिए बहुत काम हो रहा है, तो इसलिए हमारा यंग टैलेंट के लिए जी हम कुछ करना चाह रहे हैं, अगर 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा जी तब तो जी बहुत अच्छा, नहीं तो कुछ सोचेंगे कि उनके लिए कुछ रेस करें, फंड रेस करें, जी जी और अभी तो जो भी हो सकता है थोड़ा बहुत कर देते हैं, जी जो भी उनके लिए हो सकता है जी मामूली सा, जी 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 लेकिन वो क्या कहा जाए, तो यही अभी चल रहा है कोरोना काल जिसको कहा जाएगा, जी उसमें जी तो हम एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारे मेंबर्स भी सुनते हैं उसको जी बहुत अच्छे से, और दूसरे लोग भी सुनते हैं काफी ऑनलाइन होने से, जी यही अभी सोच रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं कि और क्या किया जा सकता है, जी जी जैसे कि संगीत का क्षेत्र में हम लोग हैं उसको प्रमोट करने के लिए, और हम तो बार बार यही कहेंगे कि यंग टैलेंट को सामने लाना चाहिए, आकाशवाणी को भी, जी सभी जी लोगों को, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल एस्टैब्लिश लोग तो सब लोग जानते हैं, जी यही सोच रहे हैं, और देखिए और आगे जो जो हम लोग को सजेशन मिलेगा कुछ जी जी और उसको आगे करेंगे, संगीत चलिए के क्षेत्र में तो बहुत यही हो रहा है, हमको शौक बिल्कुल भी है सुनने जी का, तो जी 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 सुनते भी रहते हैं जी चारों जी तरफ। जी 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 आपने कहा शौक है हमको सुनने का, तो जी शास्त्रीय संगीत विशेष रूप से आप सुनते हैं या फिल्म संगीत भी जी उसमें शामिल है? नहीं शास्त्रीय फिल्म तो हमको देखे 20 साल हो रहा होगा, जी 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 फिल्म के बारे में हम तो अखबार में ही पढ़ लेते जी हैं कौन सी फिल्म आई, जी और जी पहले बचपन में जरूर देखते थे, जी जी हमको जी सबसे पसंद थी, एक बार हमारा इंटरव्यू आपके यहाँ हुआ था जी तो जी उन्होंने पूछा कि कौन सा सबसे तो अच्छा गाना, तो तीसरी कसम का गाना था, सजन रे झूठ मत बोलो, क्या तो बात है आकाशवाणी ने जब मेरा इंटरव्यू जो साथ छोड़ा था तो सुनाया भी था, जी जी तो जी उस समय पाकीज़ा तीसरी कसम ये सब पसंद थी, लेकिन हम शास्त्रीय संगीत बचपन से हमारे पिताजी ने जी हम लोगों को इंकरेज किया कि सुनिए, और हम लोग जाते थे, कॉन्फ्रेंस जी होती थी बनारस में बड़ी बड़ी, जी जी आज तो बहुत संकट मोचन के अलावा कोई बड़ा तो कॉन्फ्रेंस होती नहीं, जी तो हम लोग जाते थे उसी लिए हम लोग सुनते थे, फिर जी पीढ़ी ने सुनना शुरू किया, जी आज भी हम ऑनलाइन रोज 1 घंटा तो कम से कम सुनते ही हैं जी जी कुछ ना कुछ आपके जो आपके मिल जाए। पसंदीदा कलाकार शास्त्रीय संगीत में कौन से देखिए आज हैं? के डेट में अगर फीमेल में तो अश्विनी भिड़े जी जी देशपांडे जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जी और उनका, और एक नई रही वीणा सत्यवुद्धे जी, ओ वाह और सबसे बड़ा उनका कलेक्शन मेरे ख्याल से मेरे ही पास है, उनका कम से कम 40-50 तो कैसेट और सीडी उनके होंगे, वाह वाह हम वाह सुनते थे, जी अब जी जी चूंकि अब कैसेट और सीडी प्लेयर भी नहीं मिलता तो जी दिक्कत है, ऑनलाइन सुन लेते हैं, और अश्विनी जी का भी मेरे पास कलेक्शन है, जी जी उनसे मेरा पर्सनल परिचय भी है, और ऐसे ही परिचय हुआ कि उनको लगा कि ये बहुत बड़े फैन है हमारे, जी तो जी वो जी सुनते हैं, और मेल में हमारे बनारस की शान है पंडित राजन साजन मिश्रा, वाह वाह उनको बहुत पसंद है, जी उनका गाना सुनने तो हम पटना गए थे, अभी अभी गया में उनका प्रोग्राम था जी तो हम जी गया चले गए सुनने, जी बड़ा जी ताज्जुब किया कि आप, हमने कहा और क्या गाना सुनने आए हैं, जी जी तो जी मेरे को बहुत पसंद है अश्विनी भिड़े का, उनका जी दो का तो बहुत ही पसंद है, जी बाकी तो एक से एक सालवर्ट है, जी राशिद खान है उनका गाना सुनते ही है हम लोग, जी 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 और शहर में हमारे पंडित देवाशीष डे हैं, रविंद्र गोस्वामी जी हैं, जी जी ये जी लोग हैं उनका, ये तो भी सब हमारे फेवरेट कलाकार हैं, मतलब इन जी लोगों जी का जी प्रोग्राम कहीं होगा तो हम जरूर पहुंचेंगे जी ये। तो बहुत अच्छा है, आप एक तरफ संगीत का भी संरक्षण संवर्धन और जो नए कलाकार हैं उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे धरोहर हैं, हमारे विरासत हैं, उनका भी संरक्षण और उनका जो यंग टैलेंट है या जो हमारी नई जनरेशन है उन लोगों को भी उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसके इतिहास के बारे में आप अवगत करा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दायित्व आप निभा रहे हैं, और हमें लगता है कि निश्चित रूप से इसका लाभ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, उसको होगा, और वो जान सकेंगे कि हमारी धरोहर क्या है, हमारे काशी में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे भारत में क्या क्या जरूर ऐसी जरूर ऐसी ऐसी वस्तुएं क्या हैं जिनको देखने के लिए विदेशों से पूरी दुनिया से लोग आते हैं लेकिन हम नहीं जानते, तो हमें भी जानकर अच्छा लग रहा है, और हम काशीवासी भी बहुत निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं, और लग रहा है कि नहीं, हम काशी जैसी नगरी के निवासी हैं, यहाँ के नागरिक हैं, तो बहुत ये अच्छा बात तो लगा सही है, जी सबको काशीवासियों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि जी
नदियों में आप अंदर घूमिए तो आपको एक एक चीजें मिलेंगी देखने को, जो लोगों ने संरक्षण करके रखा हुआ है जी। और मंदिर है जिसमें रोज पूजा होती है जी, और उसका लगाव है लोगों का, तो ये चीज देखने लायक है। ये भी हम भी 4-5 साल में जब से इंटैक में आए हैं जी, जी। तो बहुत सी नई चीजें हमको भी देखने को मिली जी, जी। लाहड़ी महाशय आप जानते हैं बनारस के हैं, जी जो विरासत है उतना बहुत से लोग नहीं, बाहर से लोग आते हैं कि हमको उनका घर दिखा दीजिए जी जी, तो हम लोग जाते हैं, हमारे सदस्य हैं जो उनके शिष्य हैं जी, तो आज कितना आध्यात्मिक बड़ी विरासत है हमारी जी, हमारी महाशय की जी। तो इस तरह की तो बहुत सी चीजें हैं जी, बनारस भरा पड़ा है और गली गली में विद्वान है, गली गली में विरासत है। बिल्कुल, हम लोग का इंटरेस्ट होना चाहिए, एम होना चाहिए कि उसको बची रहे वो, और बची भी रहे और उसकी जानकारी भी हो लोगों को, तभी बचेगी, बिल्कुल लोगों को समझ में आएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आप इस कार्य में संलग्न हैं और हमें लगता है कि निश्चित रूप से आपकी वो है ना, कहा जाता है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया, तो आपके पीछे भी एक बड़ी सशक्त टीम खड़ी होगी और लोग बढ़ते जाएंगे आपके कारवां में, जुड़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, हम अपने श्रोताओं को धन्यवाद। आपने कम से कम हम अपनी बात बता सके लोगों को जी, लोगों तक पहुंचेगी कि क्यों जरूरी है विरासत, और संगीत भी अपनी इतनी बड़ी विरासत है जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको अवेयरनेस और बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो हमारे साथ थे श्रोताओं भारतीय सांस्कृतिक निधि यानी इंटैक के बनारस चैप्टर के कन्वीनर श्री अशोक कपूर जी। आप संगीत के संरक्षण में भी लगे हुए हैं, तो हम आकाशवाणी वाराणसी FM विविध भारती वाराणसी की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं, और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पुराणिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.